और जैसे बार बार मोदी जी का ये कहना है कि क्षेत्रीय भाषाओं में, मातृभाषाओं में विज्ञान का प्रचार प्रसार अध्ययन अनिवार्य है, उसका एक ये भी कारण है कि जिस प्रकार अगले 25 वर्षों में तेज गति से प्रगति करता हुआ भारत विश्व पटल पर जाकर के खड़ा होगा, तो वो प्रगति पथ की नींव आधार विज्ञान टेक्नोलॉजी नवाचार होने वाला है। और इसलिए उसमें अब प्रत्येक भारतवासी को, विशेषकर वो भारतवासी नवयुवक जिनके आगे 25-30 वर्ष एक्टिव लाइफ के बकाया है, उनको ये अवसर रहे कि अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत को पर्याप्त तौर पर उपयोग में ला सकर भारत के इस अमृत महोत्सव में अपनी भूमिका, अपनी योगदान निभा सके। परंतु कहीं ऐसा ना हो कि किसी भाषा विशेष के ज्ञान के ना होते अथवा अंग्रेजी के ज्ञान के ना होते यदि हम उनकी प्रतिभा से वंचित रह गए, तो ना केवल वो अपना योगदान करने में वंचित रहेंगे बल्कि राष्ट्र उनकी प्रतिभा से वंचित रहेगा। हमारे पास अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में तेलुगु मीडियम, गुजराती मीडियम में पढ़ करके बच्चे अनेकों नए आयाम उपलब्ध कर रहे हैं, और किसी भाषा विशेष का विज्ञान से संबंध नहीं। ये प्रमाणित होगा, हो चुका है रूस, चीन, जापान जिस प्रकार से बिना अंग्रेजी की जानकारी के उस शिखर तक पहुंचे हैं। लेकिन चूंकि भारत में एक विडंबना रही कि लगभग 200 वर्ष तक हम लॉर्ड मैकॉले की बनाई हुई एजुकेशन नीति पर चलते रहे, जिसका अब जिसमें परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में आया है, इसके परिणाम स्वरूप हमारा सारे का सारा पाठ्यक्रम, हमारी सारी की सारी टेक्स्ट बुक्स, हमारी सारी की सारी सामग्री विशेषकर विज्ञान में अंग्रेजी भाषा में लिखी गई। और इसलिए एक बहुत बड़ी चुनौती चैलेंज यह भी रहेगा कि इसका अनुवाद अनुकूलता के साथ डोगरी भाषा में किया जा सके, ताकि अनुवाद में कोई कमी रह जाने के कारण डोगरी भाषा में किसी कंपटीशन में अपीयर होने वाले किसी युवा के युवती को किसी प्रकार की डिसएडवांटेज ना रहे। इसलिए हमने एक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की ओर से विज्ञान को लेकर के इनपुट्स उपलब्ध करवाई जाएगी। और चूंकि जम्मू विश्वविद्यालय देश भर में मात्र एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर के डोगरी का पोस्ट ग्रेजुएट विभाग है, इनके समन्वय से और इनके सहयोग से हम ये मासिक पुस्तिका निकालेंगे और धीरे धीरे विज्ञान की टेक्स्ट बुक्स को अनुकूलता से डोगरी में अनुवादित करने का भी काम करेंगे।